एक जेन एस्टीलो है जिसमें गाड़ी आपको दिखाना चाहता था। गाड़ी काफ़ी क्लीन है, 2009 मॉडल है एंड 49,000 चली है। सो आप जस्ट गाड़ी देख लीजिएगा थोड़ा कैसा क्लीन है। इसकी बॉडी लाइन भी क्लीन है गाड़ी की, चारों टायर नए डाले हुए थे। किलोमीटर हार्डली 49,000 ही चली हुई है। सो दिखने में गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही थी, बट हमने जब बोनेट खोल के देखा तो पता चला कि दोनों जो गाड़ी के एप्रोन है डिफरेंट कलर में है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाता हूँ, ये बॉडी कलर के साथ मैच हो रहा है एप्रॉन, और जहाँ पे दूसरे के साइड अगर देखते हैं तो ये थोड़े वाइटिश कलर में है, मिल्की वाइट में है, जो बॉडी कलर के साथ मैच नहीं हो रहा था। सो हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि एक वाइट है और एक बॉडी कलर में है, तो डेफिनेटली कोई एक तो पार्ट इसमें से डैमेज रहेगा। सो वही मैं बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं। जनरली कभी कभी कैसा होता है कि ये दोनों एप्रॉन को साथ में थोड़े लोग पेंट कर देते हैं, तो आपको डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम वही देखेंगे कैसे हम पता कर सकते हैं कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा रिपेयर्ड है। सो जैसे ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये जो पोर्शन है रिपेयर है, ये डैमेज हुआ था, इसे रिपेयर किया गया था। और हमने जब इसे चेक किया, इंस्पेक्शन किया, तो हमें मिला कि इसके जो सीलेंट एरिया है, अभी मैं आपको सीलेंट एरिया जस्ट दिखा देता हूँ, जो आप हमेशा कभी भी चेक करना रहेगा तो आपको जस्ट चेक कीजिएगा इस सीलेंट एरिया को। ये इसका सीलेंट एरिया है, इसे आप जस्ट नाखून लगा के देखिएगा, अगर ये नाखून से इजीली निकल जा रहा है और सॉफ्ट है निकालते समय, तो ये वाले डुप्लीकेट सीलेंट है। डुप्लीकेट नहीं बोल सकते क्योंकि ओरिजिनली सीलेंट है, बट ये इसे पेस्ट किए गए हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर से नहीं बनाए गए हैं, ये ओरिजिनल सीलेंट नहीं है, इसे रिपेयर किया गया है और लोकल मार्केट में ये सीलेंट यूज़ किया गया है। सो ये जस्ट मैं बताना चाहता था, कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाड़ी का, क्योंकि अगर ये डैमेज रहा तो गाड़ी वॉबल होती है, बैलेंस नहीं रहता है उसका, वेयर आउट और ये सब काफ़ी ज़्यादा रहते हैं उसमें, सस्पेंशन जल्दी डैमेज हो जाते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, जब भी गाड़ी लीजिए इसे ध्यान से देख के लीजिएगा। और मैं आपको जस्ट ओरिजिनल दिखा देता हूँ, ओरिजिनल कैसे लगता है। ओरिजिनल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये उसके कलर के साथ मैच कर रहा था, बॉडी कलर के साथ। सो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते थे। इवन मैं आपको जस्ट यहाँ पे ये सीलेंट देखिए, ये सीलेंट है, ये इसके सीलेंट एरिया है, मैं जस्ट आपके लिए हाइलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली से पता चलेगा मैं कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये इसका सीलेंट पोर्शन है, अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे ना, तो ये काफ़ी यूनिफॉर्म है, अच्छे तरीके से लगाया गया है और ये काफ़ी हार्ड है। आप अगर इसे नाखून लगा के निकालने के लिए जाएंगे, ये नहीं निकलेगा इजीली, और ये काफ़ी पतले लेयर्स रहते हैं, और जहाँ तक आप रिपेयर वाले देखेंगे वहाँ पे काफ़ी हार्ड रहते हैं, और इसके सीलेंट काफ़ी हार्ड रहेंगे कंपेयर टू जो काम किए जाते हैं मार्केट में। सो आप एक बार चेक कर सकते हैं इस एरिया को और डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओरिजिनल और ओरिजिनल कौन सा नहीं है। जैसे मैं आपको डैमेज वाले पोर्शन के बारे में दिखाता हूँ, जो व्हील के नीचे का एरिया है, ये आपका शॉक अब्जॉर्बर है, ये पोर्शन आपका शॉक अब्जॉर्बर है। बट इस एरिया को ध्यान से देखिए जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये ओरिजिनल में नहीं रहता है, ऐसे सीलेंट नहीं लगाए जाते हैं, ना ही कि इस जगह पे ऐसे सीलेंट लगाए जाते हैं जो आप अभी देख सकते हैं। सो होता क्या है, ये डैमेज साइट का है जो रिपेयर किया गया है एप्रॉन को, और उन्होंने पेस्टिंग किया हुआ है, जिसे आप इजीली देख सकते हैं, पता कर सकते हैं और इजीली विजिबल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ तो काम हुआ है। और ये गाड़ी उस प्राइस में मत लीजिएगा जो अच्छी गाड़ियाँ बिकती है, आप नेगोशिएट कीजिएगा, अगर कम प्राइस में मिलती है तो अच्छा है, नहीं तो इन गाड़ियों को छोड़ दिया तो वही बेटर है, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा आएगा, वापस आपको सस्पेंशन और ये सब चेंजेस करने पड़ेंगे, एवरी टाइम वेयर आउट ज़्यादा रहेगा टायर का। सो उन सब से बचने के लिए, नहीं तो आप थोड़े टाइम के लिए चाहते तो आप ऐसी गाड़ियाँ ले सकते हैं, चेक करके लीजिएगा कि हाई जैसे आप 40, 60, 70 की स्पीड में अगर इस गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं और सडन ब्रेक मार रहे हैं, तो ये गाड़ी ड्रैग ना करे एक तरफ, अगर ड्रैग करती है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एप्रन में भी डैमेज रहेगा। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेक भी चोक हो जाते हैं, इसके वजह से भी दूसरे साइड में चली जाती है गाड़ियाँ। और ये दूसरे साइड की है, जहाँ पे वैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैसे पोर्शन नहीं है, बट यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर में हाईलाइट किया हूँ,
ये शॉक ऑब्जर्वर का ऑयल लीकेज हो रहा है जो चेंज करना पड़ेगा। इस साइड भी डैमेज था बट उतना ज़्यादा डैमेज नहीं था जैसे उस तरफ है डैमेज, इसका थोड़े आगे के पोर्शन डैमेज थे। ओवरऑल यहाँ पे तो क्लीन ही थी गाड़ी, एप्रॉन की तरफ यहाँ पे डैमेज नहीं था, तो जस्ट ये ओरिजिनल एप्रॉन के साइड का था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। सो कभी भी देखिएगा, ध्यान से गाड़ी लीजिएगा क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ लेके मतलब नहीं है जो है वो एप्रॉन डैमेज हो। ट्राई कीजिएगा क्लीन गाड़ी मिले आपको। थैंक यू।